हम अक्सर यह देखते और सुनते हैं कि संत प्रवृत्ति का भगवान पर श्रद्धा रखने वाला, भगवान का भजन कीर्तन करने वाला आस्तिक व्यक्ति दरिद्रता और दुख में जीवन व्यतीत करता है, परंतु जो दूसरों को दुख तकलीफ देते हैं भगवान की भक्ति भी नहीं करते, अर्थात नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, वे सदा ही सुखमय और हर प्रकार से संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान की ऐसी लीला देखकर हम सबके मन में यह प्रश्न उठता है कि भगवान अपने भक्तों के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में दिया है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए यह वीडियो अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो मनुष्य भगवान की सबसे अधिक भक्ति करता है अक्सर उसे ही सबसे अधिक कष्ट क्यों होता है। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, तब अर्जुन ने भी उनसे यही प्रश्न किया था कि भगवान सदा उसे ही कष्ट क्यों देते हैं जो धर्म का आचरण करता है और भगवान की पूजा भक्ति करता है, और उसे ही सारे सुख वैभव क्यों प्रदान करते हैं जो अधर्म का अनुसरण करता है और भगवान की भक्ति बिल्कुल भी नहीं करता। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दिया था, जो इस प्रकार से है। एक बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा थे जिनके दो शिष्य थे। एक शिष्य जो गरीब था वो सदा भगवान की भक्ति में लीन रहता था। कहीं भी भगवान की कथा हो रही हो, पूजन हो रहा हो, वो वहां बिन बुलाए ही चला जाता था। वह भगवान के कार्य अर्थात पूजा अर्चना करने से कभी भी पीछे नहीं रहता था। और जो दूसरा शिष्य था वह सदा ही भोग विलास के कार्यों में लिप्त रहता था। उसे भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं था। यहां तक कि यदि उसके सामने कोई धर्म कर्म की बातें भी करता था तो वह वहां से चला जाता था। भले ही उन दोनों के विचार अलग थे, एक आस्तिक था तो दूसरा नास्तिक, परंतु वो दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र थे। भोग विलास के कार्यों में लिप्त रहने वाला सदा ही भगवान की भक्ति करने वाले से कहता था कि तू निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहता है, फिर भी तू दरिद्रता में जीवन जी रहा है, और मुझे देख, मैं तो भगवान का नाम भी नहीं लेता, फिर भी मैं कितना सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा हूं। अपने मित्र की बात को अनसुना करके वो अपने आराध्य की भक्ति में लीन रहता। एक दिन उन महात्मा का पहला शिष्य मंदिर से भजन कीर्तन करके अपने घर जा रहा था, तभी मार्ग में उसे उसका मित्र मिल गया और वो दोनों साथ में चलने लगे। तभी उसके पांव में बहुत बड़ा कांटा चुभ गया। जिसे देखकर उसका मित्र बोला कि तू भगवान की भक्ति करता है और बदले में भगवान ने तुझे क्या दिया। जिसके कुछ देर बाद उसको मार्ग में पड़ी हुई एक थैली मिली जिसमें कुछ सोने के सिक्के थे, जिसके बाद वह बोला कि देख, मैं तो भगवान का नाम भी नहीं लेता,
फिर भी मुझे भगवान ने इतना सारा धन दे दिया। अपने मित्र की बातें सुनकर और अपने पांव में लगे कांटे के कारण उसके मन में प्रश्न आया, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वह अपने गुरु के पास जा पहुंचा। उसके गुरु ने बताया कि तू पिछले जन्म में बहुत बड़ा दुराचारी था, तूने कभी भगवान की भक्ति नहीं की थी, तू लोगों को डरा धमकाकर उनका धन छीन लिया करता था और पिछले जन्म के कर्मों का फल तुझे इस जन्म में आज के दिन मृत्यु दंड के रूप में मिलना था, परंतु इस जन्म में किए गए तेरे सत्कर्म और भगवान की भक्ति के कारण वह मृत्यु दंड केवल एक कांटा चुभने के रूप में परिवर्तित हो गया और जो तेरा मित्र है अर्थात मेरा जो दूसरा शिष्य है वह पिछले जन्म में संत प्रवृत्ति का था, उसने बहुत से सत्कर्म किए थे जिनका फल उसे इस जन्म में अत्यधिक धनवान व्यक्ति होने के रूप में मिलना था, परंतु उसने इस जन्म में बहुत से पाप कर्म किए और भगवान की भक्ति भी नहीं की, जिस कारण उसका वह बहुत सारा अथाय धन केवल कुछ सिक्कों में परिवर्तित हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सबके साथ जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। हमें मिलने वाले सभी सुख और दुख हमारे कर्मों पर आधारित होते हैं, इसलिए भले ही कोई मनुष्य भगवान की चाहे जितनी ही भक्ति क्यों ना करे, यदि उसने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं या फिर इसी जन्म में उसकी वजह से किसी को दुख हुआ है तो उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा ही। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।